क्या रामायण और महाभारत काल्पनिक कहानियां मात्र हैं, या ये हमारा एक ऐतिहासिक सत्य है? ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसका जवाब आपको भगवद गीता में मिल जाएगा, लेकिन क्या इन सब बातों को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है? क्या सच में ये हमारा इतिहास है? और क्या इन ग्रंथों में लिखी हुई घटनाएं सच हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ये सच में हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसको काल्पनिक कहानियां मानते हैं। और इसके लिए वो ये तर्क देते हैं कि जिन्होंने इन महाकाव्यों की रचना की थी, क्या उनके पास इसकी पक्की जानकारी थी, या फिर उन्होंने इसमें लिखी हुई बातों को अपनी इमेजिनेशन से लिखा है? मतलब क्या वो सब मनगढ़ंत बातें हैं? अगर रामायण का ही उदाहरण लिया जाए तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसको सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। जो इसे काल्पनिक मानते हैं उनका कहना है कि इतने बड़े महाकाव्य को वाल्मीकि जी इतने डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वो नारद मुनि जी थे जिन्होंने रामायण की पूरी कहानी वाल्मीकि जी को बताई थी और तब उन्होंने रामायण लिखी। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल ये खड़ा किया जाता है कि क्या वाल्मीकि जी ने बिल्कुल वही लिखा था जो नारद मुनि ने उन्हें बताया था? ये सवाल और इसका जवाब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इस बात को तो माना जा सकता है कि कवि अक्सर घटनाओं को अपनी कल्पनाओं में पिरोकर उसे आकर्षक तरीके से पेश करते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि जिन्होंने महाभारत और रामायण लिखी थी वह सारे कवि काफी क्रिएटिव थे और अपनी कहानी को आकर्षक बनाने के लिए उसमें अपनी कल्पनाओं से जन्मी कुछ सच्ची झूठी बातों को मिक्स कर दिया करते थे ताकि वे पढ़ने वाले को आकर्षक लगे। और शायद वाल्मीकि जी ने रामायण लिखते समय यही किया होगा। शायद नारद मुनि जी ने तो केवल उन घटनाओं का वर्णन किया होगा जो असल में घटी थी, लेकिन इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि वाल्मीकि जी ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर लिखा होगा। ऐसे लोगों का मानना है कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम को देवता का स्वरूप दिया है जबकि वो केवल एक साधारण पुरुष थे। ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है नारद जी के द्वारा बताई गई घटनाओं और वाल्मीकि जी की रामायण के बीच में। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि रामायण के भी अलग अलग रूप हैं और इन अलग अलग रामायण में घटी घटनाओं में काफी अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे वाल्मीकि जी की रामायण में भगवान राम ने रावण को हराया था, लेकिन जैन रामायण के अनुसार राम भगवान अहिंसा में विश्वास रखते थे और इसलिए राम जी ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने रावण को हराया था। अगर ये बात मान भी ली जाए कि कवियों ने इन सारी घटनाओं को अपनी कल्पनाओं से मिलाकर लिखा है, तब भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सारी घटनाएं सच में घटी थी या नहीं। चलिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातों के आधार पर इसका पता लगाते हैं। दोस्तों, रामायण में बताई गई वो सभी जगह जहां भगवान राम गए थे वो सभी जगह आज भी एग्जिस्ट करती है और रामायण में बताई गई लगभग सभी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो रामायण में जिन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का उल्लेख किया गया है वो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल सही है और आज भी वो पशु पक्षी वहां देखने को मिल जाएंगे। एक बुक है प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण जो इन सारी बातों को कन्फर्म भी करती है। पंचवटी, जहां वनवास के दौरान राम और सीता जी रहते थे, वहां पर वाल्मीकि जी ने अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। ये सभी पशु पक्षी आपको आज भी गोदावरी के तट पंचवटी में देखने को मिल जाएंगे। अब आप ही सोचिए कि जब रामायण लगभग 500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, जो एक ऐसा समय था जब ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, और ऐसे समय में पूरे भारत की यात्रा करके वहां के जनजीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में लिखना, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे वेदों के अनुसार ये सब संभव हुआ नारद मुनि जी की वजह से। अगर हम नारद मुनि जी वाली बात को मान लें तो बाकी सारी बातें तर्कसंगत लगती हैं। दोस्तों, सदियों से भारत के ऐतिहासिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया, नुकसान पहुंचाया गया, जिसके कारण एक बड़े कालखंड के बीच की कड़ियां आज हमें अधूरी दिखाई देती हैं। भारत में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया गया, लूटा गया और मस्जिदें बनाई गई, और इसका विरोध न होने का कारण औरंगजेब का शासन था। यही नहीं, भारतीय इतिहास के एक बड़े हिस्से को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया और भारतीय इतिहास की निशानी को मिटाने की कोशिशें की गई। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और यहाँ लाखों पुस्तकों का संग्रह था, ऐसे ज्ञान के भंडार को 12वीं सदी के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा हमारे प्राचीन इतिहास को मिथक साबित करने की भी कोशिश करी जाती रही है। आखिर किसने हमारे दिमाग में यह आइडिया डाला कि हमारा इतिहास इतिहास नहीं बल्कि एक मिथ है? तो ऐसा किया ब्रिटिशर्स ने।
ब्रिटिश ऑफिसर वारेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया को कैप्चर किया, लेकिन हिंदू कल्चर इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स भारतीय रिवाज और परंपराओं से प्रभावित हो चुके थे और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास और कल्चर को बदनाम करने का प्रयास किया। सन 1813 में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से भारत के इतिहास को लिखा और संस्कृत में लिखे साहित्य को मिथक कह दिया। इस बुक को ईस्ट इंडिया कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगा और भारत आने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए इसको पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स का इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस लगभग खत्म कर दिया गया। ब्रिटिशर्स इंडियन कल्चर को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखने लगे थे, और यही नहीं, असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब यही बुक भारत के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जाने लगी और हम भारतीयों को यह सिखाया गया कि हमारे सदियों पुराने ग्रंथ झूठे हैं। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी सारी देशों के लिटरेचर में भी बताया गया है। एक प्रमुख ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्री कृष्ण के वंश के 138वें राजा थे। सिर्फ यही नहीं, ग्रीक और इंडियन दोनों की हिस्ट्री में काफी सारी देवी देवताओं के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें भी काफी सारी समानताएं हैं, जैसे कि ग्रीक के देवता ज्यूस और हिंदू देवता इंद्र दोनों ही देवताओं के राजा हैं और उनके अस्त्र शस्त्र भी काफी हद तक एक जैसे हैं। ग्रीक के एक्लिस और महाभारत के कर्ण में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। ऐसे ही दोनों के लिटरेचर में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। यही नहीं, हजारों साल पुराने हमारे वेदों में एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रेसेस भी मिलते हैं और कई आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों में इन वेदों में लिखी हुई बातों का रेफरेंस भी दिया है। अब आप ही सोचिए कि क्या ये सब केवल एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर वाकई में भारत का प्राचीन इतिहास एक सत्य है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दृष्टिकोण भारतीय परंपराओं और आस्थाओं से जुड़े इतिहास के बारे में। तो अब आपको पता है कि वक्त के साथ कैसे इनको तोड़ा मरोड़ा गया, कैसे ब्रिटिशर्स ने साजिश करके हमारे थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करी, और हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो साइंस ने अभी अभी डिस्कवर किया है। अब ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या इतने सारे फैक्ट्स होने के बाद भी भारतीय इतिहास को एक मिथ कहा जा सकता है? हो सकता है कि इस वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया हो, या फिर हो सकता है कि इसने आपके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत किया हो। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।